इंटरनेशनल स्केल मार्शल आर्ट प्लेयर हूँ और मैंने रिसेंटली अपना फर्स्ट इंटरनेशनल जो है वो नेपाल में काठमांडू में खेला है, उसमें मेरा गोल्ड आया है। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी क्लास 5th से और आज मैं क्लास 9th में हूँ। 5 साल हुए मेरी जर्नी को और इस जर्नी में मैंने बहुत सारे नेशनल्स खेले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स खेले, इंटर डिस्ट्रिक्ट्स खेले और ये मेरा पहला इंटरनेशनल था। इसमें तब बहुत सारे कंट्रीज आए थे वहाँ पे और मेरा मुकाबला हुआ था नेपाल से और जहाँ पर मैंने गोल्ड निकाला है। अपनी गेम है कश्मीर की, इसे आप इसको भी आगे ले जा सकते हो और इसमें भी आप भी आगे जा सकते हो। बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रही है ये गेम, बिकॉज अगर हम देखें वर्ल्ड चैंपियनशिप की लेवल पे ये पहुंच गई है और इंशाल्लाह एक दिन ओलंपिक भी बन जाएगी। बहुत ज़्यादा खुश है कि जब हमें मतलब इसने फ़ोन किया कि मैंने गोल्ड मेडल जीता तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो हमें लग रहा है कि मतलब ये नेपाल गई है तो मतलब इसमें हमें पूरा लग रहा है कि इसका जो टैलेंट है, जो इसका पोटेंशियल है, मतलब वो उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी हो रही है। तो इससे पहले अगर हम देखेंगे तो इससे पहले इतना कुछ इसमें नहीं था। दूसरी बात, ये तो कश्मीर की ट्रेडिशनल गेम है तो इसको इन्होंने आगे लिया तो ये कश्मीर के लिए भी प्राउड है, पूरे मुल्क के लिए एक प्राउड है कि इसने गोल्ड मेडल जीता है। आप आगे आओ, बिकॉज जो आपका टैलेंट है उसको आप खुद मतलब निकालो बाहर। जब तक आप खुद भरोसा नहीं करोगे आप पे, कोई और भरोसा नहीं करेगा। आप चार दीवारी में बंद मत रहो, एक अच्छी सी गाइडेंस जो आपको ढूंढनी है वो आप पाओ। बिकॉज जैसे मैंने अपने जो मेरी टीचर कोच है उनसे मैंने गाइडेंस लिया और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उनको भी अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, उनका सपोर्ट लेना चाहिए ताकि वो अपने टैलेंट को जो है बाहर ला पाए।